हेलो स्टूडेंट्स, इट्स क्लास फर्स्ट एंड टुडे वी विल रिवाइज द चैप्टर 3 आई थिंक यस्टरडे वी रिवाइज द चैप्टर 3 लास्ट डे हम लोग चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं आई थिंक सो टुडे वी शुड फॉरवर्ड द सिलेबस नाउ जस्ट अ मिनट चाइल्ड बेटा आप एक मिनट जरा वेट कीजिए Okay, students. So today we will study the chapter number 7. I am chapter number 7 padhenge. So come at the page number 34. Open your book. Page number 34. Chapter 7. Chapter 7 ka naam hai Animals Around Us. Chapter 7 is Animal Around Us. इस चैप्टर में हम अपने आसपास के सारे एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे हमारे आसपास जो एनिमल्स होते हैं आवर वर्ल्ड इज रियली वंडरफुल वी शेयर दिस वर्ल्ड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एनिमल्स आर ऑफ मैनी काइंड्स सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल हमारी जो दुनिया है वो बहुत ही शानदार है बहुत ही स्पेशल बहुत ही यूनिक है वंडरफुल का मतलब होता है कुछ ऐसा जिसे देख करके आपको बहुत खुशी महसूस हो और आपको देख करके बहुत आश्चर्य हो तो आप लोग भी अपने आसपास देखते होंगे कभी कभी ऐसी चीजें दिखाई देती होंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा और व्हेनेवर वी फाइंड समथिंग दैट वी डोंट नो अबाउट इट वी गेट सरप्राइज्ड एंड हैप्पी हम जब भी किसी ऐसी चीज को देखते हैं जिसके बारे में हमें पहले से नहीं पता रहता तो हमें बहुत आश्चर्य भी होता है और बहुत खुशी भी मैं आप लोगों से एक इवेंट घटना शेयर करता हूँ एक दिन स्कूल में मेरे ऑफिस में जब मैं पहले कोऑर्डिनेटर था तो दैट टाइम इन माय ऑफिस आई फाउंड दैट अ बिग साइज इंसेक्ट वॉज देयर मैंने वहां पे एक बड़े साइज के इंसेक्ट को देखा एंड आई वॉज सरप्राइज्ड Because I never had been seen that big type of insect in my real life. मैंने उससे पहले कभी उतना बड़ा इंसेक्ट देखा नहीं था Normally insects जो होते हैं ये villages में देखने को मिल जाते हैं लेकिन जो लोग सिटी में रहते हैं वो ये सब चीजें नहीं देख पाते मैं चूंकि सिटी में रहता हूँ तो नॉर्मली मुझे ऐसे इंसेक्ट देखने को नहीं मिलते आप लोग विलेज में है तो आप लोग को ऐसे अक्सर देखते रहते हैं तो उस दिन मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ था और बहुत खुशी भी हुई थी मैंने उस इंसेक्ट की पिक्चर भी खींचा था इस समय मेरे पास मोबाइल में नहीं है अगर मुझे कभी दिखाई दी तो आई विल शेयर इट टू यू तो ये बोलते हैं वंडरफुल हमारी जो दुनिया है वो बहुत वंडरफुल है हमारी दुनिया में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो हमने पहले कभी नहीं देखा था और उनको देख के हमें बहुत आश्चर्य होता है और बहुत खुशी भी होती है तो हमारे इस दुनिया में इस वंडरफुल वर्ल्ड में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ भी आपको अलग अलग तरह के एनिमल्स दिख रहे हैं अभी मैंने आपसे अपने इंसेक्ट वाला एक्सपीरियंस शेयर किया कि मैंने एक डिफरेंट टाइप का इंसेक्ट देखा था तो हमारे वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं इन एनिमल्स में से कुछ बिग हैं
कुछ स्मॉल है, कुछ की साइज बड़ी है, कुछ की साइज छोटी है। मैंने अभी आपको बताया कि मैंने काफी बड़े साइज का इंसेक्ट देखा था। आप लोगों ने एंट को देखा है, एंट कितनी छोटी सी स्मॉल सी होती है। वहीं आप हनी बी को देखिए, उसके साइज एंट की अपेक्षा काफी बड़ी होती है। तो हमारे वर्ल्ड में बिग और स्मॉल दोनों साइज के एनिमल होते हैं। हमारे वर्ल्ड में छोटे साइज के पपी भी हैं, डॉग भी हैं, और बड़े साइज के एलिफेंट और जेब्रा भी हैं। एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, सम एनिमल्स लिव इन वाटर, सम एनिमल्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, सम एनिमल्स लिव इन ट्रीज। अब एनिमल्स जो है वो डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मैं सिटी में रहता हूं, तो मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती है जो केवल विलेजेस में होती हैं। यही चीज विलेज में रहने वालों को होती है कि वो भी बहुत सारी चीजें ऐसी जो सिटी में मिलती हैं, वो जब सिटी में आते हैं तभी वो देख पाते हैं, या मैं जब विलेज में जाता हूँ तो मैं विलेज में ही देख पाता हूँ। तो ऐसे ही इन एनिमल्स के साथ भी है। एनिमल्स के भी रहने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस है, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के एनिमल्स रहते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो लैंड पर रहते हैं, जमीन पर रहने वाले एनिमल्स, इनको लैंड एनिमल्स बोलते हैं। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो वाटर में ही रहते हैं, उनको वाटर एनिमल्स बोलते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो लैंड एंड वाटर दोनों पर रह सकते हैं, ऐसे एनिमल्स को एम्फीबियंस बोलते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो ट्रीज पर ही रहते हैं। तो अलग अलग प्लेस पे रहने वाले एनिमल्स होते हैं। नाउ कम एट नेक्स्ट पेज नंबर, बर्ड्स। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज एंड फ्लाई इन द एयर। दे हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी, दे हैव अ बीक एंड क्लॉज। बर्ड्स हैविंग विंग्स टू फ्लाई। बर्ड्स पक्षी, ये ट्रीज पर रहते हैं और एयर में फ्लाई करते हैं, ये पेड़ों पर रहते हैं और हवा में उड़ते हैं। दे हैव फेदर्स, इनके शरीर पर बहुत सारे पंख होते हैं जिसको पर बोलते हैं। इनके बीक होती है, चोंच होती है, और क्लॉज पंजे होते हैं। बर्ड्स के विंग्स होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। तो बर्ड्स आपने देखा ही होगा डेफिनेटली, पैरट, पीजन, क्रोज, ये सब बर्ड्स हैं। तो ये जितनी बर्ड्स हैं ये सब ट्रीज पर ही रहती हैं और एयर में फ्लाई करती हैं। इन सभी की बॉडी पे फेदर्स होते हैं, इन सबके पास बीक होते हैं, क्लॉज होते हैं और विंग्स होते हैं। विंग्स उनको फ्लाई करने में, उड़ने में मदद करते हैं। नाउ फिश। फिश कैन लिव ओनली इन वाटर। फिश हैव गिल्स टू ब्रीद, विद फिन्स टू स्विम, विद एंड स्केल्स ऑल कवर देयर बॉडी। फिश ये केवल वाटर में ही रह सकती हैं, फिर होती हैं वो लैंड पर नहीं आती। और अगर कुछ फिश आती हैं तो वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही, उसके बाद उन्हें पानी में जाना होता है। तो फिश वाटर में ही रहती हैं। फिश के पास गिल्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए, फिन्स होते हैं स्विम करने के लिए, तैरने के लिए, और स्केल्स होती हैं जो उनकी पूरी बॉडी को कवर करती हैं। जैसी हमारी बॉडी को कवर करने के लिए स्किन है, वैसे ही फिश की बॉडी पर स्केल्स होती हैं। स्केल से उनकी पूरी बॉडी कवर रहती है। इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स आर टीनी एनिमल्स विद सिक्स लेग्स। इंसेक्ट्स छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जिनकी सिक्स लेग्स होते हैं, इनके पास सिक्स लेग्स होते हैं। मोस्ट इंसेक्ट्स हैव विंग्स। ज्यादातर इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके पास विंग्स होते हैं जिनसे कि वो उड़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो इंसेक्ट जैसे कि फ्लाइज, हनी बीज, ये सब उड़ सकती हैं। तो ये सारी इंसेक्ट्स हैं।
अवर एनिमल फ्रेंड्स, पेट्स। अब हम बात करते हैं ऐसे एनिमल्स की जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं और जिन्हें हम घर में पेट रख सकते हैं। पेट्स आर एनिमल्स वी कीप एट होम, दे आर टेम, दे बिकम अवर गुड फ्रेंड्स, वी गिव देम अ नेम एंड लाइक टू टेक केयर ऑफ देम। पेट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको हम अपने घर पर रखते हैं। ये पेट एनिमल्स हमारे साथ हमारे घर पर ही रहते हैं और ये हमारे पालतू होते हैं, मतलब ये हमारे साथ वैसे ही रहते हैं जैसे कि हमारे फैमिली मेंबर्स, ये हमारे गुड फ्रेंड्स होते हैं। सबसे ज्यादा जो कॉमन पेट एनिमल है वो है डॉग। हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो डॉग को पेट एनिमल बनाना पसंद करते हैं। डॉग भी हमारा टेम होता है, पालतू होता है और डॉग्स हमारे साथ बहुत खेलता है, तो ये हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड होता है। हम उन्हें एक नाम दे देते हैं। हम सब लोग जो भी पेट एनिमल रखते हैं उसको नेम से बुलाते हैं और पेट एनिमल अपना नेम बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं। आप जब भी उनका नाम बोलेंगे वो हमेशा आपके नजदीक आ जाएंगे। हम उनकी केयर करना पसंद करते हैं। केयर करने का मतलब ये कि उनकी जरूरत की चीजों का ध्यान रखना, उनके खाने का ध्यान रखना, उनके पीने का ध्यान रखना, उनकी साफ सफाई का ध्यान रखना, वो घर में कहाँ पर रहेंगे उस जगह को ठीक करना, ये सारा काम हम लोग ध्यान रखते हैं। और कभी अगर पेट एनिमल बीमार पड़ जाता है तो हम लोग उसके लिए मेडिसिन का भी इंतजाम करते हैं, उसको डॉक्टर को भी दिखाते हैं। आकाश एंड सूरज हैव अ बिग डॉग। आकाश और सूरज के पास एक बड़ी साइज का डॉग है। दे कॉल हिम रोवर, वो उसको रोवर बुलाते हैं, मतलब रोवर उसका नाम रखा है, रोवर डॉग का नाम है। दे टेक हिम फॉर वॉक्स, वो उसको वॉक के लिए ले जाते हैं, टहलाने के लिए ले जाते हैं। दे हैव मेड अ नाइस केनल फॉर रोवर, उन्होंने ये रोवर के लिए केनल बनाया हुआ है। आप लोगों को पता है केनल ये डॉग के होम को कहते हैं। डॉग के रहने के लिए हम लोग जो घर बनाते हैं उसको केनल कहते हैं, तो इन्होंने रोवर के लिए एक केनल बनाया हुआ है। ही गार्ड्स द हाउस, रोवर जो है वो घर की गार्डी करता है, घर की सुरक्षा करता है। जैसे आप लोग नॉर्मली देखे होंगे कि जो भी डॉग्स होते हैं, जब भी घर में कोई स्ट्रेंजर आता है, ऐसा व्यक्ति जिसको डॉग ने पहले कभी नहीं देखा, जिसको वो नहीं पहचानता है, तो उसको देखते ही वो बार्क करना शुरू कर देता है, भौंकना शुरू कर देता है, तो उसके भौंकने से वो स्ट्रेंजर व्यक्ति जल्दी घर में नहीं आता। तो डॉग जो होते हैं वो हमारे घर को गार्ड करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में अगर कोई नहीं है, केवल डॉग है, और घर में अगर कोई चोर घुस आया तो ये डॉग उनको भौंक भौंक के भगा देते हैं। तो डॉग हमारे घर को गार्ड करते हैं, सुरक्षा देते हैं, इसीलिए हम लोग अपने घर में डॉग को पेट एनिमल रखते हैं, क्योंकि वो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और हमारे घर की गार्डी भी करते हैं। डू यू हैव अ पेट? माई पेट इज अ। अब यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या आपके पास पेट है, तो अगर आपके पास पेट है तो आप यहां पर लिख दीजिएगा यस और अपने पेट का नेम लिखिएगा। अगर आपके पास कोई पेट एनिमल नहीं है तो आप यहां पर लिख दीजिएगा नो और इस कॉलम को निल लिख दीजिएगा, NIL, या छोड़ दीजिएगा। फिर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू कॉल इट, आप उसे क्या बुलाते हैं? यहाँ पे उसका नेम लिखना है। यहाँ पे कौन सा आपका पेट है, डॉग है, कैट है, काउ है, या आपने कौन सा पेट एनिमल रखा? नॉर्मली लोग डॉग, पैरट या कैट, इसको पेट एनिमल रखते हैं। ज्यादातर लोग डॉग को ही पेट एनिमल रखते हैं। फिर यहाँ पे उसका नाम लिखना है कि आप उसको किस नाम से बुलाते हैं। वी शुड लुक आफ्टर अवर पेट्स, वी शुड नॉट टीज देम, वी शुड ट्रीट देम विद लव एंड अफेक्शन। हम लोगों को अपने पेट्स का ध्यान रखना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें वैसे ही ट्रीट करना चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए और उनके साथ खेलना चाहिए, उनका समय देना चाहिए। अपने पेट का फैमिली मेंबर की तरह ही ध्यान रखा जाता है। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।
आप लोग देख लीजिए, इसमें अगर कोई आपको क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं पूछना? चलिए ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि इस चैप्टर से मैं क्वेश्चन पूछता हूं और आप लोगों के सामने बुक है, आप उसे देख करके बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन, आवर वर्ल्ड इज रियली डैश, हम लोग की दुनिया कैसी है? वंडरफुल। वंडरफुल, वेरी गुड बेटा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, आवर वर्ल्ड इज रियली वंडरफुल, हमारी वर्ल्ड बहुत ही सुंदर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डैश दिस वर्ल्ड विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, वी डैश दिस वर्ल्ड विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। इसमें क्या होगा, वी डैश दिस वर्ल्ड विद शेर, डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल। शेयर, वेरी गुड। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, वी शेयर दिस वर्ल्ड विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर ऑफ मैनी काइंड्स, डैश आर ऑफ मैनी काइंड्स। एनिमल्स। वेरी गुड। देखिए यहां पर लिखा है, एनिमल्स आर ऑफ मैनी काइंड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम आर डैश एंड सम आर डैश, सम आर डैश एंड सम आर डैश। वेरी गुड, ये सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम एनिमल्स लिव इन डैश, सम एनिमल्स लिव इन डैश। सम एनिमल्स लिव इन डैश, वाटर, वेरी गुड। सम एनिमल्स लिव इन डैश, यहां पर आप वाटर भी बोल सकते थे, लैंड भी बोल सकते थे और ट्रीज भी बोल सकते थे, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड्स हैव डैश ऑन देयर बॉडी, बर्ड्स हैव डैश ऑन देयर बॉडी, बर्ड्स की बॉडी पर ये चीज होती है, फेदर। फेदर्स, वेरी गुड। यहां पर लिखा है, दे हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी, बर्ड्स की बॉडी पर फेदर्स होते हैं, बर्ड्स हैव डैश एंड डैश, बर्ड्स हैव अ डैश एंड डैश। बर्ड्स हैव अ बीक एंड क्लॉज। वेरी गुड, बर्ड्स हैव अ बीक एंड क्लॉज,
बर्ड्स के पास बीक और क्लॉज होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड्स हैव डैश टू फ्लाई. बर्ड्स किसकी मदद से उड़ता है? बर्ड्स हैव डैश टू फ्लाई. विंग्स. विंग्स, वेरी गुड. बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई. बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं जो उसको उड़ने में मदद करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश कैन लिव ओनली इन वाटर. ये केवल पानी में रह सकता है. ओनली वाटर, वेरी गुड. फिश कैन लिव ओनली इन वाटर. केवल फिश है ये पानी में ही रह सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिश हैव डैश टू ब्रीथ. Fish have gills to breathe. Very good. Fish have gills to breathe. Fish के पास gills होते हैं breathe करने के लिए, सांस लेने के लिए. Very good. Next question. Dash are teeny animals with six legs. भाई. Dash are teeny animals with six legs. Insect. Insect. Very good. Insects are teeny animals with six legs. Insects छोटे animals होते हैं जिनके पास six legs होते हैं. नहीं सर, वही बच्चे बता दे रहे थे मैं क्या. Next question. Dash are animals we keep at home. Dash are animals we keep at home. Pet animals we keep at home. Very good. Pets are animals we keep at home. पेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनको हम घर पर रखते हैं. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको थोड़ा समझ के बताइए. है तो इजी लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है. डैश आर अवर गुड फ्रेंड्स. डैश आर अवर गुड फ्रेंड्स. ये हमारे अच्छे दोस्त होते हैं. Pets, very good. Pets are our good friends. Very good, beta. Next question. Next question is, who made kennel for Rover? Who made kennel for Rover? Rover के लिए kennel किसने बनाया था? आकाश एंड सूरज. वेरी गुड बेटा. आकाश एंड सूरज मेड कैनल फॉर रोवर. वेरी गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश गार्ड्स द हाउस. डैश गार्ड्स द हाउस. घर की सुरक्षा कौन करता है? डॉग्स. डॉग्स, वेरी गुड. डॉग्स गार्ड्स द हाउस. Next question. We should not dash them. We should not dash them. We should not dash them. हमें उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए. Tease them. Tease. Very good, बेटा. हमें animals को tease नहीं करना चाहिए. वेरी गुड, ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड. ठीक है बेटा, ऐसे ही आप लोग करेक्टली प्रॉपरली रेगुलरली रीडिंग करेंगे तो यू विल बी वेरी गुड. ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड. ठीक है स्टूडेंट, तो योर चैप्टर 7 इज नाउ फिनिश्ड.
एंड क्लास टाइम इज ऑल्सो ओवर, सो टुमारो वी विल अगेन द क्लास विद अ न्यू चैप्टर. कल हम लोग फिर क्लास इसी टाइम स्टार्ट करेंगे. बाय बेटा, थैंक यू ऑल ऑफ यू.